कृष्णा जी देखे देखे सिविल प्राइस आपको दी हुई है, पर्सनल डिडक्शन दिया हुआ आपको, ओरिजिनल प्राइस निकालनी है। अब यूजुअली तो ये फॉर्मूला लगा के कर लिया जाता है, मैं आपको फॉर्मूला भी बता दूंगा, इसकी चिंता मत कीजिए, बट मैं चाहता हूँ कि आप इफेक्टिवली इसको समझ लें होता क्या है ना। पहले मैं आपको प्रॉब्लम फिर से समझा देता हूँ। आप किसी दुकान में गए, नाइकी के शोरूम में गए, नाइकी के शोरूम में 10,000 रुपीज़ के शूज़ थे और वहाँ लिखा होता है देर इज़ अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो जो डिस्काउंट होगा वो 10% ऑफ 10,000 होगा। सॉरी, तो 1,000 रुपीज आपको डिस्काउंट मिल गया। अब इसको लिख देते हैं, इसको ये जो 10,000 है निशा जी, इसको ओरिजिनल प्राइस बोल देते हैं, इसको मार्क्ड प्राइस बोल देते हैं, इसको कॉस्ट प्राइस बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, कॉस्ट प्राइस भी बोल देते हैं, मार्क्ड प्राइस भी बोल देते हैं, ओरिजिनल प्राइस भी बोल देते हैं, एक ही बात है। यहां तक कोई डाउट है? उस पर देखिए डिस्काउंट जो है वो 10% है। एक बात याद रखिए, जो डिस्काउंट होता है यार, जो भी आपका प्राइस है, जो कॉस्ट प्राइस है, जो मार्क प्राइस है, जो ओरिजिनल प्राइस है, उस पे डिस्काउंट होता है। यहां तक कोई डाउट है मैडम? समझ आ रहा है? तो डिस्काउंट आपको 1,000 रुपीज दे दिया गया, तो फिर आपका मतलब जिस आपने कितने का वो लिया होगा, 10,000 माइनस 1,000, 9,000 रुपीज का आपको पड़ा होगा। तो मतलब सेल प्राइस जो है वो 9,000 रुपीज होगी। यहां तो कोई डाउट है? बेजानी आपको डाउट है? देखिए ये तो बिल्कुल डायरेक्ट है, ये तो सीधा मेथड है। अब इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है। इस क्वेश्चन में इफेक्टिवली आपको 9,000 रुपीज सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, आपको 10% रिडक्शन दिया हुआ है, और आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो ओरिजिनल प्राइस है वो कितना था। आपको क्वेश्चन समझ आ गया? कोई डाउट है यहाँ तक? अब इसका एक फॉर्मूला भी है, मैं फॉर्मूला बता दूंगा, बट उससे पहले एक आराम से एक दो चीज़ें आराम से समझ लीजिए। मैं बेसिकली आपको कार का इंजन दिखा रहा हूँ। देखिए निष्का जी ने बोला कि लेट ओरिजिनल प्राइस जो है वो एक्स है, ठीक है, ओरिजिनल प्राइस एक्स ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ओरिजिनल प्राइस एक्स है तो उस पर डिस्काउंट मिला होगा, कितना मिला होगा? 10% ऑफ एक्स, निजानी को डाउट है? अब 10% ऑफ एक्स ये डिस्काउंट हो गया, और जो ओरिजिनल प्राइस है वो एक्स हो गया। यहां तो कोई डाउट है? तो आपका जो सेल प्राइस होगा वो किसका कितना होगा, एक्स माइनस 10/100x। यहां तो किसी को कोई डाउट है तो रोक लीजिए। अब मैडम रिकॉर्ड हो रहा है, नोट मत कीजिए, आराम से सुन लीजिए। हाँ तो आराम से सुन लीजिए, रिकॉर्ड हो रहा है, कुछ भी मिस नहीं होगा आपसे, लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। बेजानी फिर से देख लीजिए, अज्यूम कर लीजिए कि जो ओरिजिनल प्राइस है वो एक्स है, यहाँ कोई डाउट? अब जो डिस्काउंट है वो 10% है, ये 10%, तो जो डिस्काउंट होगा दैट विल बी 10/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10x/100। यहाँ तो कोई डाउट है बेजानी? अरे 10x/100 लिख लीजिए या 10/100x लिख लीजिए, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? निशा जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? निशा जी आपका कोई डाउट है भाई? डाउट है तो बोल लो, घर पे जाके बिल्ली तो समझाने नहीं वाली आपको, पूछोगे तो मेरे से। बिल्ली का नाम क्या है आपकी? आई एम सॉरी, जैस। अरे बढ़िया, मेल है फीमेल है? ओ अच्छा, तो जैसा तो समझाएगा नहीं आपको, है ना? तो ओरिजिनल प्राइस एक्स है, डिस्काउंट 10/100x है, यहां तो कोई डाउट है मिजानी? तो जो सेलिंग प्राइस है वो किसके इक्वल होगी, ओरिजिनल प्राइस माइनस डिस्काउंट, मिजानी यहां तो कोई डाउट है? तो अब हमारा जिंदगी में मकसद क्या है, मकसद मतलब गोल, तो कहां से मिला जायज आपको? जायज कहां से लेके आए मिस निशा? जायज कहां से लाए, कहां से? अरे वाह, तो जब अडॉप्ट किया तो कितना बड़ा था?
एक्स माइनस टेन अपॉन हंड्रेड एक्स को मैंने सॉल्व करना, सो फॉर ईज ऑफ ऑपरेशन मैंने एक्स को लिख दिया हंड्रेड अपॉन हंड्रेड एक्स माइनस टेन अपॉन हंड्रेड एक्स। इस स्टेप पे कोई डाउट है किसी को? बेजानी डाउट है तो बोल दीजिए, मैं समझा देता हूँ। तो ये हंड्रेड माइनस टेन, अरे मैडम अगर आपने ऐसे करना हो, ये देख लीजिए, डाउट है तो फिर से देख लीजिए। देखिए वन माइनस फोर अपॉन फाइव आपको करना है, तो कैसे करोगे? फाइव अपॉन फाइव माइनस फोर अपॉन फाइव करोगे ना, इज इक्वल टू वन अपॉन फाइव। तो एज्यूम कर लीजिए कि यहाँ ऐसे वन एक्स लिखा हुआ है, सो वन को मैंने क्या लिख दिया हंड्रेड अपॉन हंड्रेड एक्स माइनस टेन अपॉन हंड्रेड एक्स फॉर ईज ऑफ सब्ट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा कहीं पर बच्चों को परेशानी आ जाती है। मैं जानिए अभी भी डाउट है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? हंड्रेड माइनस टेन अपॉन हंड्रेड एक्स, नाइन्टी अपॉन हंड्रेड एक्स। यहाँ तो कोई डाउट है? अब ये जो नाइन्टी अपॉन हंड्रेड एक्स है भाइयों, ये सेलिंग प्राइस है, कोई डाउट है? इसका जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? बट आपका सेलिंग प्राइस था कितना? 9000, इस क्वेश्चन में 9000 था। सो 90 अपॉन 100 एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? देख जाओ मैं, तो एक्स किसके इक्वल होगा? 9000 इंटू 100 अपॉन 90 इज इक्वल टू 10000। ऑफ कोर्स आपको पता है कि नाइकी में जो शोरूम में आप गए थे, वहां जो शू की प्राइस थी वो 10000 थी। जो मैंने आपको समझाया उसमें कोई डाउट है आपको? मैं फिर से आपको बताऊं कि हुआ क्या। आपके पास तीन चीजें हैं भाइयों, आपके पास एक ओरिजिनल प्राइस है, आपके पास एक सेल प्राइस है, आपके पास एक रिडक्शन है, मतलब रिडक्शन मतलब एक डिस्काउंट है। यहां तक समझ आ गया? जो आसान क्वेश्चंस होते हैं फिर से देख लीजिए, थोड़ा सा आपको लंबा दे दिया, थोड़ा सा लंबा आपको समझा दिया, प्लीज डोंट माइंड, बट उससे काफी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। देखिए यूजुअली जो आसान क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या होता है, ओरिजिनल प्राइस दिया होता है, रिडक्शन दिया होता है और सेल प्राइस निकालना होता है, ये तो आसान होता है। बट ऐसे जो टेढ़े क्वेश्चन होते हैं इसमें क्या होता है, इसमें सेल प्राइस दिया होता है, रिडक्शन दिया होता है और ओरिजिनल प्राइस निकालना होता है। ये बात समझ आई? यहां तक समझ आ गया? यहां तक समझ आ गया? जो मैंने पूरा तामझाम किया था वो आपको डिटेल में समझाने के लिए किया था कि हो क्या रहा है। और फाइनली अगर आप बोलेंगे कि सर क्या फालतू की बातें कर रहे हो, आप डायरेक्ट हमें फॉर्मूला दे दो, तो फॉर्मूला ये है कि जितना भी परसेंट रिडक्शन हो, हंड्रेड माइनस रिडक्शन कर लो, सो हंड्रेड माइनस रिडक्शन अपॉन हंड्रेड एक्स इज इक्वल टू सेल प्राइस। नहीं समझ में आया? अगर आपको कुछ समझ नहीं आया, 2 मिनट शांति रख, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया और आपको फॉर्मूला चाहिए निशा जी, तो आप क्या करेंगे? ये 12.5 है, ये 7 है, मिसानी देख लीजिए, 2 मिनट 2 मिनट देख लीजिए बस। 7% की रिडक्शन है, 12.50 सेल प्राइस है, तो आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे? 100 माइनस 7 अपॉन 100 एक्स इज इक्वल टू 12.50, मतलब 93 अपॉन 100 एक्स इज इक्वल टू 12.50, एक्स इज इक्वल टू 12.50 इंटू 100 अपॉन 93। नहीं समझ में भाई? ज्ञान समझ आ गया ठीक है, अगर ज्ञान नहीं समझ आया तो आपको एक छोटा सा फॉर्मूला दे दिया, हंड्रेड माइनस रिडक्शन। ये हंड्रेड माइनस रिडक्शन जो है ये याद रखिए, ये जो भी यहां पर नंबर लिखा होगा, सो हंड्रेड माइनस डिस्काउंट अपॉन हंड्रेड एक्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, सॉल्व फॉर एक्स। भाई जो मैंने बोला उसमें कोई डाउट है? बोल भाई जानी, अब तो क्या बोलना चाहता? ठीक है, वो सब चलेगा। देख जानी, दो तरह के स्टूडेंट्स हैं, एक टू हो गया या मिस्टर जैन हो गए, आप लोगों को पूरा लॉजिक समझ आ जाता है। बट लेट अस अज्यूम मिस जानी है, मिस जानी को फॉर्मूला दे दो यार, बाकी की फालतू की बातें छोड़ो। तो मिस जानी के लिए या मिस निशा के लिए कि यार फॉर्मूला क्या है,
बाकी की फालतू बातें छोड़ो। 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 एक्स इज इक्वल टू सेल्स प्राइस, सॉल्व फॉर एक्स, एक्स जो है वो क्या होगा ओरिजिनल प्राइस। यहाँ तक कोई डाउट है भाई? यहाँ तक कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 4 कर लोगे बेजानी? क्वेश्चन नंबर 4 कर लोगे? अरे माता जी कुछ नहीं करना, हर किसी में से ये देखो, ये देख लो, कुछ भी नहीं करना। 100 माइनस 10 90, 90 95, 95 88, ये क्या होगा 92 93 85 80 75। ये जो नंबर आ गया, जैसे ये नंबर है 75 अपॉन 100 एक्स इज इक्वल टू 99, सॉल्व फॉर एक्स। निशा जी डाउट है? कुछ समझ नहीं आएगा? निशा जी डाउट है तो बोलिए। बेजारी डाउट है तो बोलिए। जितना रिडक्शन दिया होगा, लेट अस अज्यूम 25% रिडक्शन है, 100 माइनस 25 कितना होगा 75, तो 75 अपॉन 100 एक्स इज इक्वल टू 99, सॉल्व फॉर एक्स। तो एक्स किसके इक्वल होगा? 99 इंटू 100 अपॉन 75, जो भी एक्स होगा दैट विल बी द ओरिजिनल प्राइस। बस कोई डाउट है बेचारी? कोई डाउट है? कर लीजिए, सारे कर लीजिए। सारे कर लीजिए। तो आपको फॉर्मूला भी दे दिया, अगर फॉर्मूले फॉर्मुलेशन करना लॉजिक से करना, लॉजिक से कर लीजिए। अभी कोई डाउट है? ओ भाई, ओ मित्रों कोई डाउट है? और एक मिस्टर जारी ने अच्छी सजेशन दी है कि सर आप इसको और सिंपलीफाई कर दीजिए, ये जो फॉर्मूला है इसको और सिंपलीफाई कर लीजिए। तो मिस्टर जानी कह रहे हैं कि इसको आप इन टर्म्स ऑफ एक्स ही लिख दीजिए, डायरेक्ट लिख दीजिए, ताकि सारा तामझाम ही ना हो, वो भी देख लीजिए। तो एक्स जो है वो किसके इक्वल होगा? एस पी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। जानी साहब ठीक है, तो इससे जो एक्स है, जो ओरिजिनल प्राइस है, जो भी सेलिंग प्राइस दिया हुआ है उसको 100 से कर लीजिए, और 100 माइनस, बस इसमें ये याद रखिए ये जो डिस्काउंट है वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज है, मतलब ये जो 12% है ना वो 12 आपने यहाँ लिखना है। यहाँ समझ आ गया ना? निशा जी को डाउट? जी बोलिए। आप क्या बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जैसे मर्जी, हाँ एक एक ही बात है भाई, एस पी अपॉन 100 माइनस डी इंटू 100 ऐसे कर लीजिए, एक ही बात भाई। समझ आ गया मित्रों? निशा जी नेक्स्ट देख लीजिए, फिर क्लास खत्म करता है। देखिए अब इससे देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां रिडक्शन हो रही है, ये जो भी क्वेश्चन है इसमें रिडक्शन हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरेस्टिंग है। उसे वो क्या बोल रहा है? अ शॉपकीपर मार्क्स मार्क्स अप गुड्स बाय 22%। अब शॉपकीपर क्या कर रहा है, जो भी गुड्स हैं उसको 22% इंक्रीज कर देता है बिफोर सेलिंग देम। द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आइटम्स आर गिवन, फॉर ईच वन वर्क आउट द कॉस्ट प्राइस। नहीं समझ में आया? बिजारी समझ नहीं आया? बिजारी ने दुकान खोली और बिजारी ने क्या किया, जो भी सामान आ रहा है उस पर ऑलरेडी मार्कअप लगा दिया, उस पर 22% का प्रॉफिट मिजानी ने ऑलरेडी लगा दिया। मिजानी डाउट है? मिजानी जैसे अगर आपके पास 100 रुपीज़ की कोई चीज़ थी, आपने उस पर 22% ऑलरेडी उस पर ऐड करके 122 रुपीज़ उसका दुकान पे जो प्राइस है वो ये लगा दिया, तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि भैया इसकी कॉस्ट प्राइस निकाल दो बिफोर द मार्कअप। नहीं समझ में आया मित्रों? को डाउट है? अब फॉर्मूला वही सेम ही है, क्योंकि यहां मार्कअप है
तो 100 प्लस ये मार्कअप, मैं इंक्रीमेंट लिख देता हूँ, इंक्रीमेंट अपॉन 100x इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो जैसे ये क्वेश्चन करना है तो 100 प्लस 22 अपॉन 100x इज इक्वल टू 25। भाई को डाउट है? मैडम सेम ही है, जैसे पहले डिस्काउंट का मैं आपने माइनस किया था, सेम फॉर्मूला में क्योंकि आप इंक्रीज कर रहे हैं 22%, तो आप ऐड कर देंगे। ओ भाइयो, फॉर्मूला बाद में लिखना, मुझे ये बताओ डाउट है क्या? आपको समझ आ गया हुआ क्या? तो फिर से मिस्टर जानी का शॉर्ट हैंड, एक्स इज इक्वल टू 100 into SP अपॉन 100 प्लस इंक्रीमेंट। तो हर क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, जैसे ये 29.75 है, तो 100 into 29.75 होल अपॉन 100 प्लस 22। भाई ये डाउट है? बेजानी डाउट है? पक्का कल आ रहे हैं ना आप? आ रहे हैं? नहीं आ रहे? I'm sorry? नहीं, आपका कब है वो पिकनिक शिकनिक कब है? देखो भैया क्लास तो है, आप लोगों ने आना है, आओ, नहीं आना मत आओ। आप दोनों आप आ रहे? नहीं, मुझे अच्छा, चलिए मैं आपसे ऐसे पूछ लेता हूँ, आप मुझे कब तक बताएंगे कि आप आ रहे हैं नहीं आ रहे? 2 AM, 2 PM, बाई 2 PM। भाई 2 बजे तक आप नहीं बताएंगे तो मैं फिर कैंसिल कर दूंगा, ये चलेगा? हेलो, शुड आई रिपीट? 2 बजे तक मुझे कंफर्म कर दीजिए। तो होमवर्क देख लीजिए, होमवर्क देख लीजिए, देखिए कल अगर आप आने वाले हैं तो होमवर्क देख लीजिए, ये सारे क्वेश्चन आप करेंगे और ये जो क्वेश्चन 5th है ये भी करेंगे। मिस जानी कोई डाउट है? जी मैडम, ठीक है, तो क्वेश्चन 5th जो है वो आपका होमवर्क है जी, क्वेश्चन 5। ओके चलिए, छुट्टी कीजिए।